नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। फैशन की दुनिया बहुत ही लुभावनी होती है। इस दुनिया में अपना नाम कमाना मतलब सपने देखने जैसा होता है। शादी के बाद इस दुनिया में कदम रखना तो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इसी सपने को सच करने के लिए मिसेस इंडिया पेजेंट्स द्वारा मिसेस इंडिया मुंबई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसका फाइनल 13 और 14 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता में नवी मुंबई खारघर की मिसेस रतिका तिवारी प्रसाद विनर हुई। ये प्रतियोगिता बहुत ही टक्कर देने वाली हुई। इसमें बहुत सारे लेवल पार करके मिसेस रतिका विनर हुई है। इसी को लेकर मिसेस रतिका तिवारी प्रसाद से उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर एवं जूरी मेंबर जो कि नेशनल हेड भी है मिसेस दीपाली फडनीस, मिस ऋतु सूद ब्लूमफेयर प्रोडक्शन के अहमद करीब शदन, डेगोर प्रोडक्शन के अरबाज सैयद, इन्हीं के साथ मिसेस एशिया इंटरनेशनल प्राची अग्रवाल को भी इस बेहतरीन प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस फील्ड में जाने के लिए घर वालों का सपोर्ट किस तरह जरूरी है। उन्होंने पति सुप्रीत सिंह और उनके फैमिली को भी धन्यवाद कहा। चलो देखते हैं मिसेस इंडिया मुंबई प्रतियोगिता की विनर मिसेस रतिका से उनके इस सफर के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ऑनर फील हो रहा है। काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने और उसके बाद हमें ये टाइटल मिलता है, तो देखने में लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर की मेहनत बहुत ज़्यादा कठिन होती है। मुझे ये इस फील्ड में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था। ऑफ़ कोर्स मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं यू नो मिस वर्ल्ड में देखती थी, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड, तो मैं चाहती थी कि मैं भी बड़े होकर कुछ ऐसा करूँ। तो शादी से पहले मैंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर विनर थी। तो उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी ड्रीम्स यू नो बढ़ गए कि हाँ मुझे इसके आगे और बढ़ना चाहिए, पर उसके बाद मैं नहीं कर पाई। पर लकीली आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है कि उन्होंने मुझे पुश किया कि अब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। एंड मिसेस दीपाली फर्निस जो मिसेस इंडिया की नेशनल हेड हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखा है सभी मैरिड वुमेन के लिए कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने घर के अंदर ही सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, आप अपने सारे सपनों को शादी के बाद भी पूरा कर सकते हो। ये कॉम्पिटिशन गोरेगांव रेडिसन में हुआ था एंड वहाँ पे टोटल 15 कंटेस्टेंट थे एंड सभी लोग बहुत अच्छे थे। काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन था, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये एक लक भी होता है एंड कॉन्फिडेंस, तो मैं अपने मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँची। बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो हमेशा याद रहेगा। हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करना, 100% से ज़्यादा अपने आप को देना, एंड यही मैंने सीखा है मिसेज इंडिया से। मैंने अब तक अभी इससे पहले मैंने मिसेज फेस ऑफ नवी मुंबई में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर मैं विनर थी, और उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने मुंबई लेवल पे अभी ये खिताब जीता है। और अभी हम जुलाई में इसका फिनाले होने वाला है चेन्नई में, तो अभी हमें उसके लिए तैयारी करनी है पूरी ज़ोर शोरों से। आगे के प्लान्स यही हैं कि अभी और मेहनत करनी है और डेडिकेटेड होके उस अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है और उसे अचीव करना है। और कोशिश करूँगी कि मैं एज अ रोल मॉडल लोगों के सामने पेश हूँ, उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी लेडीज़ के लिए जो चाहती हैं लाइफ में कुछ करना मगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप लोग आ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और एक दिन आप लोग भी ऐसे खिताब जीत कर ऐसे इस तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं और अपने आप को नोन फेस बना सकते हैं सोसाइटी में। बहुत वो तो सबसे ज़रूरी, सब बिना सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। और शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलने से तो आप नहीं सोच सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला, हम लोगों का ग्रूमिंग सेशन में हम लोग को वहीं रहना था
एंड उसके उस दौरान आप अपनी अपने घर के जिम्मेदारियों से टोटली आप अलग हो जाते हो, तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। मिसेस इंडिया के लिए जो भी नेशनल लेवल पे होने वाला है जुलाई में चेन्नई में हो रहा है, तो अभी हम जितने भी कंटेस्टेंट जो अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट लेवल से जो विनर हुए हैं उन सब के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, तो काफ़ी टफ होने वाला है। बट कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन, यही दो वर्ड्स मैं बोलूँगी जिसके बलबूते पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे मोटिवेशन मेरे हस्बैंड हैं, बिकॉज वो हमेशा मुझे इंकरेज करते हैं एंड मैंने उन्हें देखा लाइफ में वो कभी गिव अप नहीं करते, उनको एज अ रोल मॉडल मैं समझती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बहुत ही बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने और आगे और कुछ सीखने मिलेगा मुझे मालूम है, पूरा यकीन है मुझे। और फैमिली की आंखों में प्यार और अपने लिए एक प्राउड देख के तो खुशी होती ही है, और जब आप जाते हो कहीं बाहर अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है कि अरे ये तो मिसेज इंडिया मुंबई बनी है, उसके बाद जो खुशी होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी ये विनर बनने के बाद। मैं सभी वुमेन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सपनों को ज़रूर पूरा करिए और उन्हें मरने मत दीजिए, क्योंकि शादी के बाद भी ऐसे बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसे रास्ते हैं जो आप अपना कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। एंड मिसेज इंडिया दीपाली फर्निस मैम का यही एक मोटो है करने का कि सिर्फ मिस नहीं मिसेज भी अपना इस इंडस्ट्री में एक नाम कमा सकती हैं, और ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप लोग अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, अपनी खुशियों को एक नाम दे सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत जाधव के साथ श्वेता भोर की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।